लोकसभा है, उसके जो अंतर्गत विधानसभा बोली है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? देखिए एक बात समझिए, एक तो तीसरा कोई विकल्प नहीं था। लोग एनडीए और आरजेडी के खिलाफ लोगों में दिलचस्पी नहीं थी। 20 साल लोगों ने एनडीए की सरकार या आरजेडी की सरकार के साथ, दोनों गठबंधन साथ रहे तो लोगों ने वोट दिया। सबसे ज़्यादा अत्यंत पिछड़ी जाति, पिछड़े माइनॉरिटीज़ का वो इलाका है, और डेवलपमेंट हुआ ही नहीं, लोगों की मदद हुई नहीं। तो जिसका गुस्सा बीमार भारती जी को भी झेलना पड़ा, डेवलपमेंट नहीं होने के कारण व्यक्तिगत तौर पर भी असर पड़ता है कैंडिडेट पे। नरेंद्र मोदी जी को छोड़ के लगभग सभी लोग प्रचार में गए, ललन बाबू, जीतन राम मांझी, चिराग पासवान जी, संजय झा जी, सारे मिनिस्टर, सीएम, डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम कैंप किए, 19 मिनिस्टर कैंप किए वहाँ। और क्या कारण है कि एनडीए को ऊंची जात का समर्थन नहीं प्राप्त हुआ? इसका मतलब है कि नीतीश कुमार जी के प्रति जो गुस्सा चिराग जी अकेले लड़े थे उस वक्त था ऊंचे समाज का, आज भी है। जदयू को वोट नहीं देना चाहते, और जो मंत्री संतरी हैं, एमएलए एमपी हैं जदयू के या बीजेपी के, वो वोट नहीं दिलाने में सक्षम है। जिस जाति के आधार पर आप मंत्री बनते हैं और उस जाति का जदयू को 10 वोट भी ना मिले, उस समाज का, तो ये क्या संदेश जा रहा है? और एनडीए को क्या संदेश गया कि आपसे, जदयू से मोह भंग हो रहा है, राजद से तो पहले से मोह भंग हो रहा है, हो चुका है। तीसरी चीज, अत्यंत पिछड़ी जाति का बंटवारा। सर वो 5 बार की विधायक पिछड़े रहे, भैया पांच, इसलिए तो एंटी इनकमेंसी थी। और पांच दो, सबसे बड़ी बात है, आप हमको बताइए ना, 1 लाख के लगभग वोट आया था लोकसभा में, और आप कहाँ पर हैं अभी? आधा कम वोट मिला है आपको। 30 हजार के आसपास वोट आया नहीं, भीमा जी को तो 11 हजार था, अभी 30 हजार आया, चूंकि पारिवारिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से मेरा समर्थन उनको कांग्रेस के समर्थन के कारण। देखिए मैं वहाँ आऊँगा। अभी सवाल उठता है कि सारे मंत्री एमपी लगे रहते हैं ठेकेदारी में, माँ के नाम से, बेटा के नाम से, भाई के नाम से, सारे रिश्तेदारों के नाम से रजिस्ट्रेशन करा करके आप 300, 400, 500 करोड़ का टेंडर क्षेत्र में कीजिएगा, पूरा खानदान। तो आक्रोश तो झेलना पड़ेगा नेता को। आप जांच करा लीजिए, सारे एमपी एमएलए मंत्री का ठेकेदारी चलता है, और दूसरे लोगों को मरवाने में और फंसाने में ही लोग लगे रहते सर हैं। क्या आपको लगता है कि आरजेडी ने वहां पे अपना जो पूर्ण तरीके से चुनाव लड़ा जाता है वो नहीं लड़ा? आप कहाँ से लड़ेगा भैया? पिकनिक मनाने अंतिम दिन ये गए युवराज, ये आज भी समझते हैं कि मुखेर कानून है, राजा की तरफ फरमान करेंगे और चल देंगे। इनको, इनकी नासमझी ने तो देश को भी नुकसान पहुंचाया, और खास तौर पर माइनॉरिटीज और ओबीसी यादव समाज को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया लोकसभा में। आज भी वो अहंकार में रहित है, अहंकार से ऊपर वो जाते नहीं है, बाहर वो निकलते नहीं है। इस चुनाव में भी पूरा सरकार लगी रही, ये एक बार भी इनका दर्शन नहीं हुआ, और ना इन्होंने माले के साथियों को आग्रह किया, ना सीपीआई, ना सीपीएम, ना कांग्रेस, किसी का इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। और अंतिम दिन 12 बजे हो करने पूर्णिया आते हैं, 1 घंटे के लिए भवानीपुर आते हैं, लगता है कि राजा आए, फरमान दिया, चले गए, जनता नौकर हैं इसकी। कि आप जनता को जब तक मालिक और जनता को जब तक आप भगवान नहीं मानिएगा, और थोड़ा अपने नेचर से लोग नहीं निकलेंगे, ये ठेकेदारी पट्टेदारी में एमपी एमएलए ठेक लगे रहेंगे लूट खसोट में, तो सर आने वाला जनरेशन ना परेशान हो रहा है। तो ये लोग लूट खसोट में लगे रहते हैं, एमपी एमएलए मंत्री संतरी, ये लूट लो, ये टेंडर ले लो, इसको कर दो, ये कर दो,
ये जमीन माफिया, ये ड्रग्स, सबसे ज्यादा ड्रग्स चलाते हैं ये नेता लोग, ड्रग्स स्मैक्स सबसे ज्यादा चलवाते हैं सभी जगह, पूरा बिहार पूर्णिया अच्छा। में सबसे ज्यादा। और आरजेडी के प्रति पहले ही दिलचस्पी लोगों की घटी है, तो आप समझिए आरजेडी लड़ रही थी, वहां गठबंधन नहीं लड़ रहा था। दूसरी बात, अत्यंत पिछड़ी जाति का वोट का बंटवारा और माइनॉरिटीज का 50% वोट का झुकाव ने निर्दलीय को जिताया, माइनॉरिटीज के कारण निर्दलीय जीते और कोई कारण नहीं है। और सरकार के मंत्री संतरी अपने समाज के भी वोट नहीं दिला पाए, तो ऐसे लोगों को कितना दिन तवज्जो सरकार दे। परिणाम आया है ऐसे में जो देखा जाए 30,000 की वोट लगभग बीमा भारती को मिला है, ऐसे में तो जैसा आपने कहा कि मेरा समर्थन है, तो आरजेडी के लोग तो सवाल उठाएंगे कि अगर पप्पू यादव का समर्थन होता तो बीमा भारती जीत गई होती। सर मैं तो कह ही रहा हूँ, मेरा समर्थन तो, मैंने तो कहा कि मैंने नैतिक समर्थन दिया, 11,000 तो वोट आई थी इनको आरजेडी के इतने मशक्कत के बावजूद, और हम कोई वहां गए नहीं, हमको तो किसी ने बुलाया नहीं, आरजेडी ने तो कहा नहीं कि आप हमारा प्रचार कीजिए। बीमा जी आई बेटी के तरह आई और हम उनके सपोर्ट में थे, साथ थे, माइनॉरिटीज का वोट मिल गया होता और गंगोत्री समाज का वोट कहीं भी एक तरफ चला गया होगा, या बीमा जी को या कलाधर मंडल जी को, तो कोई जीतता, उसमें कोई बहस नहीं है। माए गंगोत्री समाज के वोट भी बट गए, अत्यंत पिछड़ी जाति का वोट भी बट गया, और जो माइनॉरिटीज का वोट है वो अधिक निर्दलीय के पक्ष में चला गया। तो ये इसको कलेक्ट कौन करता, मैं ही तो इतने बड़े कि राजद ने तो इस्तेमाल किया और पूरे परिवार को नाश कर दिया। बीमा जी का केस में इन्वॉल्व हो गए, सड़क पे ले आए, आपने एफर्ट्स नहीं किया, आपके भीतर जिद नहीं थी, आप कैंपेन नहीं किया, तो आप हल्के में राजनीति करेंगे, चुनाव तो चुनाव होता है ना, तो गलत है ये। हमारे लिए तो मेरा क्षेत्र था और हमको राजद ने कहा नहीं, हम तो व्यक्तिगत तौर पर कांग्रेस के कारण और व्यक्तिगत पारिवारिक रिश्ता है बीमा जी से, मैं उनके साथ था। सर 7 राज्यों में उपचुनाव हुए, 13 सीटों पे हुआ, 10 पे इंडिया गठबंधन जीती है सर, 3 सीट जो ऐसे हैं जिसमें एनडीए अपने नाम की। 11 सीट पे इंडिया गठबंधन जीती है। मैंने पहले भी कहा कि लोकसभा में भी ये हारे, विधानसभा में भी हारे, आप इसको समझिए। और ये जो इसको इस रूप में मत देखिए कि एनडीए या इंडिया गठबंधन जीते, ये इंडिया गठबंधन का सवाल नहीं है, ये संकेत है महाराष्ट्र हरियाणा और झारखंड का चुनाव का। झारखंड पुनः दोहराने जा रहा है, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड दोबारा आएगी, और हरियाणा और महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन की सरकार निश्चित बनेगी। तो ये संकेत है देश के युवाओं का, गरीबों का। बद्रीनाथ का भी चुनाव जीता है, मैंने कहा ना कांग्रेस कोई भी चुनाव, क्योंकि वो नफरत की राजनीति नहीं करता है। और शंकराचार्य ने जिस तरीके से सनातन हिंदू या इनके बीजेपी के तरीके पर सवाल खड़ा किए हैं, इसलिए लोगों में आक्रोश तो बीजेपी के खिलाफ है। सर कांग्रेस के बड़े लीडर्स कह रहे हैं कि ये जो उपचुनाव में एनडीए की हार हुई है, कहीं ना कहीं 1.5 महीने में ये दूसरा संकेत है देश का कि देश मोदी जी को पसंद नहीं करता। मैंने पहले क्या कहा, बीजेपी में किसको क्या पसंद करता है मैं इस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन एमपी इलेक्शन भी, लोकसभा इलेक्शन में भी बीजेपी हारी है। इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन के बदौलत ये लोग आज सरकार में हैं, और आने वाले समय में किसानों का, युवाओं का, महिलाओं का, छात्रों का और गरीबों का समर्थन बीजेपी को मुझे लगता है कि नहीं मिलने वाली है किसी भी कीमत पर, आप इसको देख लीजिए। असदुद्दीन ओवैसी कल संभाजीनगर गए औरंगाबाद, वहाँ से पिछली बार उनका सांसद जीत कर आया था, उन्होंने कहा कि पूरे महाराष्ट्र में से 48 सीटें हैं
एक भी मुसलमान सांसद जीत के नहीं गया। देश में देश के जो संसद हैं वहाँ पे जिंदल कास्ट के लोग और ओबीसी के लोग दोनों सांसदों की संख्या लगभग बराबर है। मुसलमान भी 20% के आसपास देश में है, लेकिन 20% भागीदारी संसद में नहीं है। ये सोचने की बात है, बात करने की बात। देखिए मैं एक बात बताता हूँ, STSC का जो अधिकार है वो भी मिलना चाहिए, वो भी आप देखिए कम, देखिए जो STSC सीट है उतनी ही है, परसेंटेज तो 28% 27% है। अब क्या है STSC कि बच्चियों से शादी करके अब जन लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ये भी गलत है। उनके बच्चे STSC तो होंगे, कहें कहले ही नहीं जाएंगे। बिहार में इस तरह की चीजें हुई हैं। क्या आपका इशारा सामग्री चौधरी के ऊपर? नहीं 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 नहीं, आप उठा के देखिए ना, मैं तो जानता भी नहीं हूँ किसी को। यहाँ भी RJD के जो कैंडिडेट थे, यादव जाति से शादी है और आप टिकट दिए, तो उसके जो बच्चे हैं क्या पासवान या राम कहलाएंगे? तो STSC के को पीछे से या आगे से STSC का सीट तो पूर्णतः हुआ नहीं, किसके बच्चे कहलाएंगे? आप हमको बताइए ना, मैं जानना चाहता हूँ। कोई भी हो, आप जिसकी बात करिए, माइनॉरिटीज की राजनीति को तुष्टीकरण की राजनीति BJP करती है, और इधर माइनॉरिटीज को लोग अछूत मानने लगी है कि इसको इस्तेमाल करो, जरूरी नहीं है अधिक सीट देने की। सीट अधिक देगी तो लोग कहेंगे कि माइनॉरिटीज को अधिक सीट मिला। BJP के दुष्प्रचार से जो सेकुलर पार्टी है वो लगातार डर रही है, इसको आप समझिए। और माइनॉरिटीज के किसी भी सवालों पर सीधा सेकुलर पार्टी खड़े नहीं रह पाती है सिवाय राहुल गांधी जी के। और क्षेत्रीय पार्टी अब माइनॉरिटीज के राजनीति के तौर तरीके से बचना चाहती है, माइनॉरिटीज का वोट लेना चाहती है, अपना इमेज सेकुलर दिखाना चाहती है, लेकिन माइनॉरिटीज के मुद्दों पर वो एग्रेशन नहीं दिखाना चाहती है या आगे बढ़ के उनके साथ खड़ा नहीं रहना चाहती है। क्षेत्रीय पार्टी आप उठा के देख लो, कोई भी क्षेत्रीय पार्टी आप उठा के देख लो, NRC, CEA, 3 तलाक, आप किसी भी में उठा के देखो, अब हमको माइनॉरिटीज के सवाल पर कितने लोग खड़े हैं, कितने लोग खड़े हुए मुख्तार के भाई या अन्य लोगों पर, क्रिमिनल हो या अपराधी हो, माफिया हो, लेकिन यदि कानून से इतर किसी को मारा जा रहा है या मर रहे हैं और जो दिख रहा है उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है क्योंकि वो मुसलमान है, गैंगस्टर है, कानून तो इन लोगों के लिए कोई कानून नहीं है। माइनॉरिटीज बिल्कुल दरकिनार होते जा रहे हैं, राजनीतिक रूप से इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन उनको जो भागीदारी मिलनी चाहिए माइनॉरिटीज को, सही माने में इस देश में उनको